नमस्कार, लेट्स वी स्टार्ट हाउ टू प्ले करना कंजीरा और खंजणी, जो ओडिया में बोलते हैं खंजणी। कैसे हमें प्ले करना है ये आज हमें देखना है। ओके, ये है वो इंस्ट्रूमेंट जिसे हम करना कंजीरा और खंजणी भी बोलते हैं, जो ओडिया में, ठीक है। इसे रेप्टाइल के स्किन में प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रेप्टाइल स्किन। कोई भी रेप्टाइल से चलेगा, अच्छा प्ले होगा, साउंड भी आएगा। तो इसे कैसे प्ले करना है हमें देखना है, ठीक है। तो ये एक बोसाई का, एक ब्रॉन्ज का दो पीस लगाएंगे जिससे ये साउंड होगा कि नहीं, तो देखेंगे हमें प्ले कैसे करना है। ये फास्ट हमें इसी पोजीशन में पकड़ना है, ठीक है। ये और ये, कोई कोई ऐसे भी पकड़ते हैं और कोई कोई ऐसे भी पकड़ते हैं, अपनी मर्जी से, ठीक है। तो देखो कैसे ये प्ले करते हैं। हाँ, ये प्ले करने से हमारा साउंड जो है ऑफडाउन होता है। फर्स्ट इसका रोल हम देख लेते हैं अच्छी तरफ से। ये जो हमारा फिंगर है इसे ऑफ डाउन करते रहना, तो ये साउंड ऑफ डाउन आएगा और अच्छा सुनाई देगा कि नहीं। इट इज लिसन टू स्वीटी स्वीट व्हेन वी ऑफ डाउन आवर डाउन फिंगर। ये जो पकड़े हैं होल्डिंग फिंगर, ये हमें ऑफ डाउन करना है। देखो, नहीं किसी भी स्टाइल से हम इसे प्ले कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि एक ही स्टाइल से हम प्ले करेंगे, दूसरा भी स्टाइल है, बहुत सारे स्टाइल से हम ये प्ले कर सकते हैं। हम बहुत सारे स्टाइल है, हम प्ले कर सकते हैं। और जब हम प्ले करेंगे, ध्यान देना कि हमारा होल्डिंग फिंगर, नीचे का होल्डिंग फिंगर, इसके साथ ये नोच वाला हमारा जो है थंब फिंगर, एक ही साथ इसे टच करना है। देखो, ये स्किन और ये प्रॉन्च एक ही साथ हमें टच करना है। एक ही साथ हम टच करेंगे तो एक स्वीट सा साउंड निकलेगा। हो गया, और कोई कोई भी ऐसे ही पकड़ते हैं। ऐसे ही पकड़ सकते हैं और ऐसे ही पकड़ सकते हैं। ऐसे पकड़ने से इजी होता है और आसान होता है। कैसा आसान? जो हमारा थंब फिंगर है ये एक साथ टच करने के लिए, ऐसे पकड़ने से एक साथ टच नहीं होगा आसानी से, सिर्फ एक ही फिंगर लगेगा। लेकिन जब हम ऐसे उल्टा रखेंगे, अपनी तरफ रखेंगे ये ब्रांच, तो ये क्या होगा ना, एक ही साथ टच होगा और प्लेइंग बहुत इजी हो जाएगा कि नहीं। ये इजी वाला प्रोसेस, तो ऐसा प्ले करना है। ये होल्डिंग फिंगर डाउन, थंब फिंगर टच विथ ब्रांच एंड स्किन, ठीक है।